प्रबंधन ने हम लोग की बातों को सुना नहीं जाना तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लाभ पाने से पहले अगर आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 बिहार के 12 से अधिक जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच चिराग पासवान जो है आज दिन भर जो है वो बाढ़ पीड़ितों के बीच जो है वो रहे और शाम में वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन आज हम बात करेंगे चिराग पासवान के उस बयान की जिस बयान ने तहलका मचा रखा, और ये बयान जो है वो चिराग पासवान ने बीते 30 सितंबर को पटना के SKM में दिया था जब पार्टी की SC ST प्रकोष्ठ की जो मीटिंग जो है वो हो रही थी। मीटिंग हुई, रणनीति तैयार हुई और कार्यक्रम के आखिरी में चिराग पासवान जो हैं वो अपनी बात रखते हैं, अपने मुद्दे जो हैं वो अपने पार्टी पदाधिकारियों को बताते हैं और बयान देते देते या कहें कि भाषण देते देते एक ऐसी बात बोल जाते हैं जिसने सियासी गलियारे में एक हड़कंप मचा दिया है। दरअसल चिराग पासवान कहते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, अगर जिस दिन ये लगेगा उनको कि उनकी बात जो है वो केंद्र सरकार या कहें कि मोदी सरकार नहीं मान रही है तो वो एक मिनट भी नहीं सोचेंगे, वो फौरन इस्तीफा दे देंगे। आखिर क्यों चिराग पासवान ने ऐसा बयान दिया? क्या चिराग पासवान की बातें नहीं मानी जा रही हैं दिल्ली से लेकर पटना तक? हो क्या रहा है अंदर खाने? आखिर क्यों चिराग ने ऐसा बयान दिया? हम सब कुछ बताएंगे लेकिन सबसे पहले चिराग का वो बयान गठबंधन में है। आप लोगों को अपने हक अधिकारों की चिंता के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, ये बात आप लोगों से कहते हैं। और जिस दिन चिराग पासवान को लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या गठबंधन ने हम लोग की बातों को सुना नहीं जाना तो मेरे पिता ने भी एक मिनट नहीं सोचा था मंत्री पद को लाभ पाने से पहले अगर विजय भी मिलेगा तो किसी जो लोग हम लोग को डराकर हम लोग को भागने का प्रयास करते हैं, कभी आरक्षण का डर दिखाकर, कभी संविधान का डर दिखाकर, पहले तो आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है न आरक्षण को कोई खतरा है न संविधान को कोई, लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चिराग पासवान कि रगों में जब तक खून है, मेरे शरीर में जब तक खून का एक ही कतरा बाकी है वो कतरा आपसे ही आप लोगों को प्रदेश देश को भूल जाइए, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से भी भेंटा होगा आप लोगों के लिए तो भी चिराग पासवान नहीं छोड़ेगा। जैसे ही ये बयान दिया है उसके बाद से ही सियासी गलियारे में हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि चिराग पासवान जब से मोदी की सरकार तीसरी बार दिल्ली में बनी उसके बाद चिराग पासवान जो हैं वो केंद्र में मंत्री बनते हैं, उसके बाद से ही लगातार कई ऐसे फैसले केंद्र सरकार के रहे या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो आया उसके कहीं ना कहीं मुखालपत जो है वो चिराग पासवान के तरफ से लगातार जो है कई मुद्दे या कहें कि मुद्दे दर मुद्दे जो है वो की जा रही है। इसी को जिक्र जो है वो जब चिराग पासवान SKM में कर रहे थे तो बोलते बोलते यहाँ तक कहते हैं कि जब शेड्यूल कास्ट की बात सुनी नहीं जाएगी या मानी नहीं जाएगी तो वो इस्तीफा देने से भी जो है वो परहेज जो है वो नहीं करेंगे। देखिए 30 सितंबर को जो है वो पार्टी के SC ST प्रकोष्ठ की जो है वो कार्यक्रम रखा गया था SKM में, और इस दिन जो है वो कई प्रस्ताव जो हैं वो पार्टी की तरफ से जो हैं वो पारित किए गए, और सब बातों का जिक्र जो है वो चिराग पासवान कर रहे थे। और
जो मुख्य मांग चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से जो है वो किया गया, हम थोड़ा सा पहले आपको वो बताते हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से मुख्य मांग भी रखी गई है, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के अधिकार को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल जो है वो किया जाए, ये मांग चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से की है। दूसरी मांग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू किया जाए। तीसरी मांग जो है वो चिराग पासवान के तरफ से की गई है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन हो। और चौथी मांग जो चिराग पासवान की तरफ से की गई है, चौकीदारों के नियुक्ति में पासवान जाति को पूर्ण आरक्षण दो। पांचवा मांग जो है वो चिराग पासवान की तरफ से किया गया है, पूना पैक पर पुनर्विचार किया जाए। इन्हीं सब मांगों के मांग जो है वो चिराग पासवान की तरफ से जो है अपनी पार्टी की तरफ से जो है वो सरकार से की गई है। और चूंकि मौजूदा वक्त में चिराग पासवान खुद केंद्र की सरकार का हिस्सा हैं के हैं, सो मांग भी कर रहे हैं सरकार को, या कहें कि मोदी सरकार को चेता भी रहे हैं कि आपको हमारी मांगे पूरी करनी होंगी। याद भी दिला रहे हैं कि उनके पिता रामविलास पासवान ने कभी केंद्र से इस्तीफा दिया था, तो वो भी इस्तीफा जो है वो दे सकते हैं। 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरीके का तेवर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान जो है वो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ चंगा नहीं चल रहा है। और ख़ासकर चिराग जो है वो कहीं ना कहीं इस मोड में नहीं सियासत करने के दिख रहे हैं कि जो केंद्र सरकार कहेगी वो बात मानेंगे। अब देखिए, झारखंड का ही मसला देख लीजिए, झारखंड में हुआ क्या, कहा जा रहा है कि झारखंड एनडीए में जेडीयू जो है वो हिस्सा होगी झारखंड एनडीए का, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को झारखंड एनडीए से बाहर किया गया है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 3 सीटें जो हैं वो जेडीयू को मिलने जा रही हैं, लेकिन चिराग पासवान को कोई भाव जो है वो झारखंड के बीजेपी वालों ने नहीं दिया। इससे भी थोड़ा अंदरूनी रूप से जो है वो चिराग पासवान जो है वो चिढ़े हुए हैं। और हो सकता है ये सब जो बयान जो अभी पटना के SKM में 2 दिन पहले चिराग पासवान ने दिया है, ये प्रेशर टैक्टिक्स का उनका हिस्सा हो। इससे पहले भी कई दफ़ा देखा गया है कि चिराग पासवान जो है ना प्रेशर बनाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।